एक यो ट्रैक्टर हो गया भाई जो कि पहले आया करता ओल्ड मॉडल में, लेकिन इसमें अब भी काफ़ी सारा बदलाव कर दिए जो देख सको भाई, जो जो आपके सामने खड़ा है यो भाई महिंद्रा 275 DI 2TU XP प्लस। इसमें भाई देख सको का इतना काफ़ी दमदार ट्रैक्टर बना रखा भाई, और इसमें काफ़ी सारे चेंजिंग कर रखी है। जिसमें आप सब टायर की बात कर लें तो इसमें भाई छोटा टायर दे रखा है 616 का, जो कि 616 का टायर भाई इसमें पावर स्टेयरिंग है ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग जो छोटा दे रखा है। अगर पावर स्टेयरिंग देखी जाए तो इसमें फिर बड़ा देना चाहिए था, लेकिन इसमें काफ़ी छोटा दे दिया, लेकिन कमें ना ठीक है वह फिर भी। और इसमें बात कर लें टायरें की, इसमें तो इसमें जो टायर है भाई 13/6/28 का टायर दे रखा है, और जिसमें आपने इस ट्रैक्टर में भी जो सेंटर गेयर बॉक्स है इसमें 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स जो दे दिए भाई। और इसमें पीटीओ की बात कर ले तो पीटीओ जो है भाई 540 दे रखी है इसमें। तो अब जो है इसमें भाई डिज़ाइन जो है और पेंट क्वालिटी चेक कर लो भाई, कितने दमदार है भाई, कितनी गजब की दे रखी है भाई, पेंट क्वालिटी काफ़ी बढ़िया दे रखी है। और इसमें देख लो भाई यो जो है महिंद्रा है भाई, महिंद्रा कंपनी भाई, इस पर ज़्यादातर हर जगह भाई महिंद्रा 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 लिखती आओगी, और उसमें लिखने का भाई यो रीजन है यो जो महिंद्रा कंपनी है अपना मैन्युफैक्चरिंग भाई खुद कर रहा है। और इसकी डिटेल भी मैं इंजन तो बात कर लूँ तो इसमें जो है भाई 3 सिलेंडर इंजन दे रखा है और बोस कंपनी का इनलाइन पंप दे रखा है। और पावर की बात कर लें भाई इसमें 39 HP में आवा भाई और 2078 CC का इसमें इंजन दे रखा भाई इसमें। और लिफ्ट कैपेसिटी की बात कर ले तो इसमें भाई 1500 kg की लिफ्ट कैपेसिटी दे रखी है, और इसमें भी डिज़ाइन लुक काफ़ी सारे चेंज कर रखे हैं। यो देख लो भाई इसमें भी टेंडम पंप दे रखा है छोटा बड़ा करके, और यो देख लो भाई डिज़ाइन लुक चेंज कर रखी है। जैसा कि आपने ड्राफ्ट कंट्रोल और पोजीशन कंट्रोल सीधे हाथ पर देखने को मिल जाएंगे, और इसमें जो है इसकी जो ब्रेक है ऑयल इंप्रेशन ब्रेक दे रखी है। और इसके भाई बात कर लें रेडिएटर की और इंजन की, तो भाई इसमें कूलेंट वाला इंजन है जो वाटर कूलेंट इंजन दे रखा है कंपनी ने, और जो एयर क्लीनर है भाई ऑयल वाला एयर क्लीनर दे रखा है ना कि ड्राई टाइप। और इसमें बात कर लें इसके टापे की, तो भाई लिफ्ट टापा जो है काफ़ी हैवी दे रखा है भाई कंपनी ने। और सीट की बात कर लें तो ड्राइवर भाई को कंफर्ट देने खातर जो सीट उसके कंफर्ट देने खातर ये बना रखी है। और इसमें देख लो भाई यो इसका लाइट स्विच हो गया, और यो हाई बीम और लो बीम, या हो गया इसका भाई इंडिकेटर, और यो पार्किंग, और यो हो गया हॉर्न स्विच, इंजन स्टार्ट वाला स्विच, और ये हो गया इंजन कोइल स्विच। और इसके रेटेड RPM की बात कर रहा तो भाई 2100 रेटेड RPM दे रखे हैं कंपनी ने, जो फ्यूल टैंक यहाँ दे रखे हैं कंपनी ने। और पीछे की बात कर लें अब तो यो पटली भी काफ़ी हैवी दे रखी है। और इसकी सेंसिंग की बात कर लें तो भाई आपने अगर रूटावेटर लगाना है तो रूटावेटर भी इसी में लगेगा, हैरो कल्टीवेटर भाई दोनों इसी में लगेंगे। और इसमें भाई बात कर लें एक्सटर्नल हाइड्रोलिक के देने के लिए यो पाइप पहले ही दे रखा है कंपनी ने, आपने कभी अलग तक लगाने की जरूरत कौन हो, जो कि भाई इसमें सॉकेट भी कंपनी ने खुद दे रखा है कंपनी ने। और आपने बस अगर हिच बनवाना है ट्रोला भी चलाना होना भाई इससे ट्रैक्टर पर ट्रोला भी चल जाओ, क्योंकि भाई जो 1 2 3 4 5 भाई 5 बोल्ट एक साइड दे रखी है, यानी 10 बोल्ट पर हिच देख लो भाई कितनी तगड़ी सपोर्ट रहेगी। और टी की बात कर ले तो टी देख लो भाई कितने हैवी टी दे रखी है इस ट्रैक्टर की, जो कि आपने ट्रोला भी चला लो भाई किसे मेंटेनेंस खर्चा भी ना होगा इतना, तो भाई बिल्कुल भी ना होगा इसका। जो भी चीज़ है भाई आपके सामने है, हर चीज़ काफ़ी दमदार बना रखी है कंपनी ने। और टूल बैग्स भी है भाई जो साइड में दे रखा है, और भाई ये देख लो PTO साइड में दे रखी है, जो कि भाई 540 RPM है समय, जो भाई 540 चक्कर बोले। और हॉर्न इस साइड दे दिया, यो भाई महिंद्रा का लोबो दे रखा है जो कि महिंद्रा ने अभी तक चेंज ना करा, यो भाई 2024 मॉडल ट्रैक्टर दे रखा है कंपनी ने। और हाई लो लीवर की बात कर लें तो हाई लो लीवर भाई इस साइड दे रखा है, और जिसमें भाई
पीटीओ की बात कर लें तो पीटीओ यो दे रखी है, सिंगल क्लिच में इसमें मिल जाएगी आपको। और फ्यूज बॉक्स की बात करें तो वही फ्यूज बॉक्स इस साइड दे रखा है। अगर आपने फ़ोन चार्ज करना हो तो इसमें यो दे रखे भाई, यो देख लो आपने, यो फ़ोन ग्रिप दे रखी है इस साइड, और 12 वोल्ट का यो एडाप्टर दे रखा है जिसमें आपने चार्जर लगाना है बैटरी वाला। और आपने आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग और वेट के अकॉर्डिंग आप इस ना सीट ने एडजस्ट कर सको, एडजस्टेबल सीट दे रखी है कंपनी ने। और इंडिकेटर की बात कर लें तो भाई नोवो के छोड़ का भाई इसमें ज़्यादातर इंडिकेटर यो ही आवे भाई, इस महिंद्रा कंपनी में यही खासी बात है इसकी। ज़्यादातर मॉडल भाई सेम बना रखे हैं, लेकिन भाई ये 2024 मॉडल है, इसमें इस वजह से ये चेंजिंग काफ़ी सारी बदलाव कर रखे हैं जो कि मैंने आपने बता दिए। और सेल्फ की बात कर लें तो हाई वोल्टेज सेल्फ दे रखा कंपनी, जो कि स्टार्ट भाई चाबी लगाते ही स्टार्ट हो जाओगा। और इस मॉडल में भी आपने भाई डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग जैक मिलेगा भाई। और पंखे की बात कर ले तो पंखड़ी देखो भाई कितनी हैवी पंखड़ी दे रखी है। और इसमें भाई जो है डुअल फैन बेल्ट दे रखी है, मतलब भाई एक फैन बेल्ट तो इस पर चढ़ेगी और दूसरी जाएगी भाई अल्टरनेटर पर, नहीं मतलब अगर अल्टरनेटर की भी टूट जाओगी ना तो यो आराम से भी चल जाओगा मिस्त्री दोहरे जाने में भी, कि मैं दिक्कत वाली बात ना रहोगी भाई। तो ट्रैक्टर भाई काफ़ी ज़बरदस्त लगा भाई मैंने, आप भाई है ना कैसा लगा ये ट्रैक्टर भाई मैंने कमेंट में बता देना, जो कि इसमें पायदानी की बात कर रहे हैं तो सभी मॉडल के ज़्यादातर सेम हुआ है। और जैसे अब यो ब्रेक होगी भाई इसमें, और यो हो गया इसमें जैसे कि यो, हाँ भाई यो हो गया इसमें प्रेशर पाइप हो गया इसका, जो प्रेशर पाइप है वाइब्रेट कराया था हल्का बहुत भी, तो जैसे किसान भाई अगर पैर ना लगना चाहिए जैसे दब जाओगा, यो गलत दे रखा कंपनी ने, यो किसान भाई मतलब कंपनी ने भाई यो चेंज कर देना चाहिए, यो मन कमी लगी इस चीज़ की। यो पाइप जो है इसमें पायदान के नीचे देके जाना चाहिए था, जो यहाँ तो लिकड़ का आराम तो यहीं लग जाता भाई। तो कंपनी ने यो चीज़ थोड़े से आउटफिट दे रखी है, लेकिन कहीं ना बदलाव कर सके कंपनी इस चीज़ का। और बाकी भाई इस समय अपना अगर लिफ्ट स्लो चल रही है ना तो इसके द्वारा भाई आप इस ना हाई प्रेशर बना सको हो इसका। और बाकी तो मैंने बता दिया भाई सारी चीज़ बता दी, ऑयल इम्प्रेसिव ब्रेक दे रखी हैं। और इसमें भाई यो जो आपने दिख रहा होगा काला काला सा, यो इसमें ब्रेक बत्ती दे रखी है। और इसमें भाई गैस लिकड़न खातर यो दे रखा है। तो काफ़ी बढ़िया लगा मैंने यो ट्रैक्टर, और हर चीज़ पर महिंद्रा कंपनी की ब्रांडिंग मिलेगी भाई आपने ज़्यादातर चीज़ों पर। और यो भाई इंडिकेटर में मतलब भाई यो शीशा दे रखा है ड्राइवर का साइड देखने वाला, और कभी जी आवे तो भाई फेस भी देख सको आप इसमें अपना। तो भाई देख लो डैशबोर्ड की बात कर लें तो इसमें जो डैशबोर्ड है भाई इसमें एक यो हो गया अपना टेम्परेचर मीटर, RPM मीटर और आवर्स वाला मीटर, और यो हो गया अपना फ्यूल टैंक वाला मीटर। तो यो चीज़ काफ़ी बढ़िया रही मैंने देखने में, काफ़ी बढ़िया लगा। जो ट्रैक्टर की डिजाइन लुक है भाई काफ़ी बढ़िया दे रखी है, यूनिक दे रखी है। इसकी जाली की बात कर लें तो सारी की सारी जाली इसमें यो सामने दे रखी है, जिसमें अगर कुछ बागवानी करो आप जुताई वगैरह करो तो इसमें डस्ट वगैरह सिर्फ हवा जाएगी, बाकी जो डस्ट रहेगी मतलब मोटा मोटा कूड़ा जो रहेगा भाई वो बाहर ही चिपक जाओगा, और फिर आप इसे ना हला सको बंद कर सको। और आपने यो खोलने के लिए भाई सिंगल पीस बोनट दे रखा है इसमें, आपने खोलने के लिए भाई यो निकालना है और यो साइलेंसर निकालना है, तो यो बस निकाल दो, यो भाई यहाँ से खुल जाएगा। यहाँ से खुलने के बाद में आप आराम से बल दे दो, जो भी इंजन में काम करना हो भाई मैकेनिक भाई है ना तो आराम से कर लो। तो बाकी भाई कैसी लगी आपने वीडियो भाई कमेंट में बता देना, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। तो भाई अच्छी लगी होगी वीडियो उम्मीद करता हूँ भाई, और कौन से अभी डिटेल रह रहा हो तो भाई हम तक पूछ लेना, कमेंट में बता देना भाई, और जिनसे भाई अगर गलती भी होगी तो भी बता देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।